राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर के डीजीएम प्रेम प्रभाकर ने देश के किसानों और अन्नदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक संदेश जारी किया है। हर साल 23 दिसंबर को किसानों के सम्मान, पहचान और शान के लिए मनाए जाने वाले राष्ट्रीय किसान दिवस को लेकर उप महाप्रबंधक प्रेम भास्कर ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक देश की सभी शाखाओं में राष्ट्रीय किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मना रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भागलपुर अंचल के उप महाप्रबंधक प्रेम भास्कर किसानों के अविश्वसनीय प्रयासों को पहचानने और उनका समर्थन करने के लिए हमेशा उनके साथ हैं। साथ ही उप महाप्रबंधक ने किसानों के लिए बेहतर ऋण और वित्तीय सेवा से जुड़ी जानकारियां भी साझा की। राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के किसानों अन्नदाताओं के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हर साल 23 दिसंबर किसानों के सम्मान, पहचान और शान के लिए मनाया जाता है। ये हमारे देश की रीढ़ है, मेहनती और उदार किसान। आइए अपने अन्नदाताओं के सम्मान में जश्न मनाएं। भारतीय स्टेट बैंक, जो कि प्रत्येक किसान का बैंकर है, इस दिन को किसानों के साथ उत्सव के रूप में मनाने में हर्ष का अनुभव कर रहा है। हमारे अन्नदाता अपने कठिन परिश्रम द्वारा न केवल हम तक भोजन पहुंचाते हैं, बल्कि कपड़ा से लेकर दवाओं तक विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों का समर्थन भी करते हैं। ऐसे किसी क्षेत्र के बारे में सोचना मुश्किल है जहां किसानों का योगदान न हो। उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने अपने भागलपुर दौरे पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 6 कॉलेजों एवं एक विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उच्च शिक्षा निर्देशक ने कहा कि किसी भी कक्षा में जिन छात्रों की हाजिरी लगातार कम हो रही है, उसका नाम असिस्टेंट रजिस्टर पर ही काट दिया जाए। डॉक्टर रेखा कुमारी सबसे पहले भागलपुर TNB कॉलेज पहुंची, जहां गंदगी फैला देख वह भड़क गई। इस दौरान परिसर में जल जमाव और केमिस्ट्री के लैब समेत ज्यादातर कमरों में धूल देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उच्च शिक्षा निर्देशक ने कहा कि इसका मतलब है कि लैब में कोई काम नहीं होता है, जबकि एक अन्य लैब भी बंद थी, जिसके शीशों के अंदर झांक कर देखने पर काफी धूल दिखाई पड़ी। वहीं केमिस्ट्री की एक कक्षा में स्मार्ट क्लास देखकर उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की। उच्च शिक्षा निर्देशक ने हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र समेत कई कक्षा का निरीक्षण किया, जिसमें कई तरह की कमियां देखकर कॉलेज प्रबंधन की क्लास भी लगाई। उन्होंने समाजशास्त्र के 2 कमरों में छात्र छात्राओं की 25% हाजिरी और BN कॉलेज में इतिहास की कक्षा में 50% हाजिरी देखकर नाराजगी जताई और प्राचार्य से अनुपस्थित छात्र छात्राओं का नाम काटने का निर्देश दिया। हालांकि BN कॉलेज के प्राचार्य ने जब छोटे कमरों की समस्या बताई तो डॉक्टर रेखा कुमारी ने फिलहाल सेक्शन बढ़ा लेने की बात कहते हुए कमरों का निर्माण बाद में कराने को कहा। इधर उच्च शिक्षा निर्देशक ने SM कॉलेज और उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल का निरीक्षण करने के बाद संतोष व्यक्त किया, जबकि महादेव सिंह कॉलेज में लाइब्रेरी और लैब का बेहतर संचालन करने का निर्देश दिया गया। इससे पूर्व विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रेखा कुमारी को वहां के 3 कमरों में गीजर खराब मिली, जिससे गर्म की जगह ठंडा पानी निकल रहा था। वहीं इसके बाद कुलाधिपति के लिए अधिकृत कमरा खोला गया, जिसके अंदर गीजर से सिर्फ गर्म पानी आ रहा था, जबकि ठंडे पानी की पाइप खराब पड़ी थी। आखिरकार गुरुवार की रात उन्हें एक होटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन इस तरह की अव्यवस्था को देखकर उच्च शिक्षा निर्देशक के पति ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार लगाई। पहले तो मैं गई TNB कॉलेज में, तो वहाँ हमने देखा कि हमारा कॉलेज तो काफी पुराना है, बिल्डिंग्स तो काफी बड़ी बड़ी बनी हुई है, लेकिन वहाँ के जो कैंपस है काफी बड़े है, लेकिन वो मेंटेन नहीं है। सबसे पहला तो बाउंड्री देख के मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि बाउंड्री वॉल में काफ़ी ख़राब हो चुका है, काफ़ी पुराना है और मुझे नहीं लगता कि वो सुरक्षित भी है, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी काफ़ी कम है और कैंपस में हैं तो पेड़ बहुत सारे, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने कहा है कि पहले तो क्लासरूम की सफाई सुनिश्चित कर लीजिए, बाउंड्री ठीक करा लीजिए और जो भी टूटे फूटे सामान हैं उनको निकालिए, क्योंकि गंदगी जितना ज़्यादा रहेगी वो वहाँ पे जो है नेगेटिव फोर्स ज़्यादा काम करता है, इसीलिए सफाई होनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। मैं शिक्षकों से भी मिली, मैं बच्चों से मिली, मैं क्लासरूम में गई, शिक्षकों से मिलकर हमने कहा कि इन्हें बेस्ट बुक और रेफरेंस बुक भी बताइए और इनको ये बताइए कि गूगल से कुछ ज़्यादा बताइए और क्लास की तैयारी करके आइए, टॉपिक्स को पहले से पढ़ लीजिए, कहाँ से बेस्ट आप इन्फॉर्मेशन इनको दे सकते हैं और कैसे आप अच्छे से इन्हें समझा सकते हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर काली मंदिर के समीप शुक्रवार की शाम बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोली मार दी।
बता दें कि बदमाशों ने युवक के सीने में गोली मारी है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल व्यक्ति की पहचान महेशपुर निवासी कपिल देव यादव के 25 वर्षीय पुत्र विक्रम यादव के रूप में हुई है। वहीं गोलीकांड को लेकर आसपास के लोगों का कहना है कि आपसी रंजिश के तहत बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। इधर इलाके में दहशत का माहौल है, इसीलिए स्थानीय लोग खुलकर कुछ भी बताने से बच रहे हैं। लोगों ने बताया कि 3 राउंड फायरिंग की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग सड़क पर निकले, पर तब तक अपराधी कपिल देव को गोली मारकर फरार हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही बबरगंज थाना की पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जबकि चिकित्सक इलाज में लगे हुए हैं। वहीं थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि मामला आपसी विवाद को लेकर हो सकता है, फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सब चीज पता विक्रम यादव लड़का जो गोली लगलो अब के मारलो अब देखला के बाद भैया। अखिल भारतीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के द्वारा रविवार 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन के विशाल आयोजन को लेकर बैठक की गई। इस दौरान बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में देश के कई राज्यों से पहुंचे यादव समुदाय के लोगों ने शिरकत किया और सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी देने एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अपील की। बता दें कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में यादव समुदाय का एक विशाल महासभा आयोजित होगा, जिसमें लाखों की संख्या में यादव समाज के लोग हिस्सा लेंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के फिक्स डिपॉजिट के करीब 350 करोड़ रुपए से आधारभूत संरचना को लेकर तैयारी की जा रही है। इसको लेकर टीएमबीयू प्रशासन ने राज्य सरकार से अनुमति मांगने का निर्णय लिया है। दरअसल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई सिंडिकेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें से 72 करोड़ की राशि कॉलेज के मद में और 22 करोड़ की राशि वीवी के मद की है, जबकि शेष राशि ब्याज के रूप में है। बैठक के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल से कहा कि इसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया जाए, जिससे आगे की प्रक्रिया की जा सके। वहीं इस दौरान सिंडिकेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट भी रखा गया, जिसे पूर्व में सीधा वित्त कमेटी से पास कराकर सिंडिकेट में लाया गया था, जिसको लेकर सदस्यों ने आपत्ति भी जताई थी। इधर सिंडिकेट ने बजट को वित्त कमेटी के पास भेजा, जहां से जरूरी सुधार के बाद फिर से सिंडिकेट में रखा गया। बैठक के दौरान कुलपति ने कहा कि राजभवन ने समय की कमी के कारण अब बजट के लिए सीनेट करने को कहा है, जबकि फिलहाल एकेडमिक सीनेट की बैठक नहीं होगी। कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाने पर सहमति बन गई है। वहीं सिंडिकेट सदस्य एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने राजभवन से आए पत्र के आधार पर टीएमबीयू में संथाली विषय की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव रखने के साथ कई भवनों की जर्जर छत की मरम्मत कराने का भी सुझाव विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया। इसके अलावा बैठक में बीपीएससी से नियुक्त 40 शिक्षकों को लेकर कहा गया कि इन सभी शिक्षकों के एनपीएस की राशि जमा होने लगी है, जबकि सिंडिकेट सदस्य रूबी कुमारी ने मैकेनिकल इंजीनियर के पद से हटाए गए मुरारी मिलना ऋण का भी मामला उठाया। मौके पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, डॉक्टर शैलेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव, प्रोफेसर निशा झा, डॉक्टर राम सेवक सिंह समेत कई पदाधिकारी और सिंडिकेट के सदस्य मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप।
सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। महिला बाल विकास निगम भागलपुर एवं विशेष महिला एवं बच्चा कोषांग भागलपुर की ओर से जीएनएम नर्सिंग संस्थान जीएनएमसीएच भागलपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तहत लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान और नई चेतना अभियान पर पेंटिंग, स्लोगन, रंगोली और कठपुतली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 सत्रों में आयोजित किए गए कार्यक्रम में जीएनएम संस्थान की लगभग 200 छात्राओं ने भाग लिया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में स्वाति कुमारी को सत्र 2020-2023 के लिए प्रथम, कोमल कुमारी को द्वितीय और वंदना कुमारी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि स्लोगन प्रतियोगिता में जूली कुमारी, शिवानी कुमारी और अंजलि कुमारी को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगिता में शामिल रहे पहले 3 प्रतिभागियों को भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मौके पर जीएनएम नर्सिंग संस्थान की प्राचार्य बिंदु कुमारी, बीएससी नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य अनुराधा दुबे, बिंदु शर्मा, ज्योति जायसवाल, विवेक कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। गंगोत्री जागरण मंच की ओर से भागलपुर के समाहरणालय परिसर में गंगोता समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गंगोत्री जागरण मंच के लोगों द्वारा सरकार से गंगोत्री समाज को अति पिछड़ा जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की गई। साथ ही कहा कि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक पुनर्जागरण के लिए गंगोत्री समाज संघर्षरत है और वो सभी सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल जाता है। गंगोत्री जागरण मंच के संस्थापक सह महासचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार के 12 जिलों में गंगोता समाज के लोगों की बड़ी आबादी निवास करती है और वे सभी अपने अधिकार के लिए सरकार से हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। साथ ही कहा कि भागलपुर के अलावा बांका, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, किशनगंज और अररिया में भी गंगोत्री समाज के लोगों की आबादी गंगा और कोसी के तटीय भागों में रहती है, जिसका मुख्य पेशा खेती, किसानी और पशुपालन है। इसके अलावा मंच के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही गई। मौके पर काफी संख्या में गंगोता समाज के लोग मौजूद रहे।